हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बीच हाउस, और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक बीच पर हॉलीडे मना रही होती है। फैमिली में मदर का नाम कैथरीन, फादर का नाम हेनरी और बेटी का नाम एमा होता है। घूमते हुए एमा को एक नेट मिलता है जो पानी में बहकर आया था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिनर करते हैं। एमा भी स्कूल में होती है और उसने ब्रेक लिया था, वो जर्मनी में जाकर रहना चाहती थी। ये बात उसकी मॉम को पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो ये करना चाहती है। वो लिटरेचर में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसका मानना था वो कभी भी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती है। उसे एक राइटर बनना है, इसलिए वो हमेशा राइट करने की कोशिश करती है, लेकिन आजकल वो कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। ऐसे ही टेंशन में उसकी पूरी रातें बीत जाती हैं। एक दिन एमा की मॉम कैथरीन को उसके एक ओल्ड फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम पॉल होता है। ये काफ़ी सालों के बाद एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो आसपास में ही होता है, इसलिए कैथरीन ने उसे वीकेंड के लिए अपने घर बुला लिया। पॉल के आने के बाद एमा उसे नोटिस करती है। पॉल को यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगा था। एमा के पेरेंट्स उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पॉल को बताते हैं अब ये जर्मनी में जाने वाली है, इसलिए स्कूल से ब्रेक लिया है। पॉल इस बात से एग्री करता है। वो कहता है बचपन में मैंने जो भी स्कूल में पढ़ा था वो मुझे लाइफ में कभी काम नहीं आया। कैथरीन इस बात पर कहती है पॉल की लाइफ बहुत ही अलग है, वो हमेशा ग्लैमरस सेलिब्रिटीज़ में रहता है क्योंकि पॉल एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है और ये बहुत ही फेमस था। इसके बाद ये सारे लोग पॉल का एक फ़ोटोशूट मिलकर देख रहे थे। ये बहुत ही न्यूड फ़ोटोशूट था और उसका हमेशा से ऐसे ही फ़ोटोशूट रहे हैं। पॉल को यहाँ पर आना हॉलीडे के लिए बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। कैथरीन उससे कहती है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हेनरी और पॉल बात कर रहे थे। तब हेनरी पॉल से पूछता है तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। पॉल कहता है मुझे अब तक कोई मिली नहीं। हेनरी कहता है कोई ना कोई तो अब भी होगी जो तुम्हें फंसा लेगी। इसके बाद हम देखते हैं पॉल को रहने के लिए एमा उसका बेड तैयार कर रही थी। फिर उसके सामान में उसकी फ़ोटोज़ उसने देखी। फिर उसे एक एल्बम मिलता है जो अब तक रिलीज नहीं हुआ था। ये बहुत ही अजीब था, वो उसे पूरा देख पाती इससे पहले ही उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उन फोटोज़ को देखकर एमा हेनरी से कहती है मॉम इस तरह से किसी भी स्ट्रेंजर को कैसे बुला सकती हैं। हेनरी कहता है वो उसका पुराना फ्रेंड है। एमा को पॉल की ज़्यादा एज नहीं लगती। ये सब मिलकर बीच पर हैंग आउट कर रहे थे तभी वहाँ पॉल भी आ जाता है। इसके बाद हेनरी और पॉल स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। हेनरी उससे पूछता है तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। पॉल कहता है मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बोर हो गया था, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम्हारे साथ भी पहले ऐसा कभी हुआ होगा। यहाँ पर हेनरी को रियलाइज़ होता है पॉल लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता। पॉल की बातों से उसे लगता है वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है। डिनर करते टाइम हेनरी ने पॉल को उसके एम्बिशन के बारे में पूछा। वो कहता है तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स इतनी अच्छी से सेल हो रही हैं तो तुम आगे की स्टेप्स क्यों नहीं लेते, तुम इन्हें हायर प्राइस पर सेल कर सकते हो। लेकिन पॉल को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, वो जिस तरह से पहले काम करता था उसी तरह से हमेशा करता रहेगा। ये बात एमा को बहुत ही अच्छी लगती है। उसे भी एज अ आर्टिस्ट लोगों को किस तरह से इग्नोर करना है, अपने आर्ट पर ध्यान देना है, ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। रात में बहुत लेट एमा ने कुछ आवाज़ें सुनी, पॉल बाहर खड़ा हुआ था। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पॉल कहता है मैं सोच रहा हूँ स्विमिंग के लिए जाऊँ लेकिन पानी बहुत ही ठंडा होगा। फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और अंदर आ जाता है। वो एमा से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। एमा पहले मना करती है लेकिन बाद में हाँ कह देती है किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो पॉल के रूम में चले जाते हैं। एमा ने पॉल को कॉम्प्लीमेंट दिया, वो कहती है तुम लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और वो कहती है आजकल मुझे राइटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी लाइफ बहुत ही इजी रही है इसलिए वो स्ट्रगल्स वगैरह के बारे में लिख नहीं पाती। पॉल कहता है तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई तो एक्साइटिंग चीज़ होगी जो तुमने कभी भी की होगी। एमा कहती है एक बार लैब असिस्टेंट के साथ मेरा थोड़ा थोड़ा अफेयर हो गया था लेकिन मैं डर गई और इस वजह से आगे कुछ भी बढ़ नहीं पाया। ये सब बताते हुए एमा पॉल की फ़ोटोज़ देखने लग जाती है। वो पॉल से कहती है बहुत ही अजीब है। पॉल कहता है इसका थीम मर्डर था। जब भी आप किसी की फ़ोटोग्राफ निकालते हो तो उस करेक्टर में घुस जाना चाहिए जैसे आप एक्चुअल में वो सारी चीज़ें कर रहे हो। एमा इस बात से डर जाती है जैसे पॉल ने एक्चुअल में मर्डर किया हो। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। उसे रात में सपना आता है, वो और पॉल इंटीमेट हो रहे थे। फिर वो अगली सुबह जब पॉल अपने रूम में नहीं था तब वहाँ घुस जाती है, वो उसकी सारी चीज़ें देख रही थी।
तब वहाँ पर एक बड़ी सी नेट उसे मिलती है। बाहर आकर उसने नोटिस किया पॉल अपनी गाड़ी की डिग्गी में कुछ देख रहा था। वो जब उसके पास आई तब पॉल ने डिग्गी बंद कर ली। ये बहुत ही सस्पिशियस था। एमा जब राइड करने की कोशिश कर रही थी तब पॉल उसके पास आता है। उसे एक आइडिया आया लेकिन वो कंफ्यूज थी कि किस डायरेक्शन में उस आइडिया को लेकर जाना है। पॉल कहता है जो चीज तुम्हें एक्साइटेड करे उसे तुम चूज कर लो, इसके बाद आगे का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। एमा उससे पूछती है तुम जिस तरीके से फोटोशूट करते हो मर्डर के, ये चीज तुम्हें एक्साइटेड करती है? पॉल कहता है यही मेरी लाइफ है। ये बात एमा को और भी ज्यादा वेर्ड लगती है। फिर यहाँ से वो चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जब सब एक साथ बीच पर होते हैं तब पॉल स्विमिंग करने के लिए जाता है और वहाँ पर पॉल का फोन रखा हुआ था। एमा ने उसे उठा लिया और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो डायरेक्टली वॉइस मेल पर गया। वो नंबर अब चल नहीं रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शाम में उसके पेरेंट्स ग्रोसरीज लेने के लिए बाहर जा रहे थे। तब एमा ने अपनी मॉम से बात करनी चाही। वो कहती है मुझे पॉल बहुत ही अजीब लगता है, इतने सालों बाद आप उससे मिली हो तो ये आपके लिए भी एक स्ट्रेंजर ही है। जिस तरह से वो फोटोज शूट करता है ये बहुत ही वायलेंट है। कैथरीन कहती है पॉल का जीने का तरीका थोड़ा अलग है लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक बार उसका बहुत ही वायलेंट फोटोशूट था जहाँ पर उसने सब लोगों को बहुत ही सेफ फील कराया। सेट पर बहुत ही मजे हुए थे। एक्चुअल में मैंने खुद उस फोटोशूट में मॉडल किया था। पॉल एक अच्छा पर्सन है। अपनी मदर की बात सुनकर एमा रिलैक्स हो गई। उसे लगा वो पॉल को गलत समझती है। इनके जाने के बाद पॉल एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुन रहा था। एमा को भी बहुत अच्छा लगा जिसे वो उसे सेंड कर देता है। एमा का पॉइंट ऑफ व्यू अब बदल चुका था। अगले दिन पॉल सारी चीजों की फोटोज ले रहा था। फिर उसने एमा को देखा और वो उसकी भी फोटो ले लेता है। एमा उससे पूछती है तुम ऐसे विदाउट परमिशन मेरी फोटो कैसे ले सकते हो? पॉल ने कहा मुझे जो चीज अच्छी लगती है उसकी फोटोज मैं ले लेता हूँ, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरा कैमरा तोड़ सकती हो। एमा इस बात पर हंस देती है। पॉल ने फिर एमा की बहुत सारी फोटोज ली। ये सारी चीजें हेनरी भी देख रहा था। डिनर के टाइम एमा और पॉल बहुत सारी बातें कर रहे थे। उसके बाद वो एक साथ वाइन पी रहे थे। ये बात कैथरीन और हेनरी को अच्छी नहीं लगती। कैथरीन ने एमा को जल्दी जाकर रूम में सोने के लिए कहा। यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए पॉल ही अपने रूम में चला जाता है। लेकिन रात में जब काफी लेट हो गया था तब एमा पॉल के रूम में आ जाती है। उसके रूम में नेट देखकर वो कहती है क्या ये तुम्हारे नेक्स्ट फोटोशूट के लिए है? पॉल कहता है एक अच्छी मॉडल मिलनी चाहिए तब मैं फोटोशूट कर लूंगा। एमा कहती है मैं भी मॉडलिंग कर सकती हूँ लेकिन मेरे चार्जेस बहुत ही ज्यादा होंगे। पॉल कहता है तुम्हें हायर करने के लिए लोग कुछ भी पे कर सकते हैं। एमा ने यहाँ इसी रूम में अपने फादर का बेड नोटिस किया। ये थोड़ा अजीब था लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। एमा पॉल से कहती है उस रात मैंने झूठ कहा था, लैब असिस्टेंट के साथ मेरा अफेयर हो गया था। ये सारी चीजें वो उसे डिटेल में बता रही थी। फिर पॉल उसके लिए एक ड्रिंक बना देता है। एमा हमेशा वाइन पीती थी लेकिन आज उसने स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाया हुआ था। ये दोनों फिर करीब आकर इंटीमेट होने लग गए थे। फिर अचानक से एमा को बहुत ज्यादा नींद आने लग गई थी। वो पॉल को कहती है मुझे बाद में उठा देना। अगली सुबह वो डायरेक्टली अपने रूम में उठती है। कल क्या हुआ था इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसके बारे में वो पॉल से पूछती है। पॉल कहता है तुम कल सो गई, इसके बाद मैंने तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दिया। जैसा कि हमने देखा था कैथरीन और हेनरी को पॉल का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। फिर वो उससे पूछ ही लेते हैं यहाँ से कब जा रहे हो। पॉल भी इस बात से एग्री करता है। एमा को जब ये बात पता चली तब वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो अपने फादर से कहती है आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन हेनरी उससे कहता है तुम्हें वो बहुत ही कूल लग रहा होगा, मैंने उससे बात की है, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं एमा की तबीयत खराब हो गई, वो उल्टी करती है। फिर उसने अपनी पर्स में टैबलेट चेक की, उसकी नींद की गोलियां थोड़ी कम थी। उसे लग रहा था पॉल ने उस रात उसकी ड्रिंक में गोलियां मिला दी थी। उसे उस पर शक पहले से ही था। अब वो फिर से उस पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। वो उसके रूम में जाकर उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है। फिर उसने गाड़ी की डिग्गी ओपन की और उसकी गाड़ी की डिग्गी में हैंड ग्लव्स और ऐसे ही कुछ खतरनाक सामान देखा। ये सारी चीजें उसने अपने लास्ट फोटोशूट में यूज किए थे और इसी के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के हेयर भी गाड़ी की डिग्गी में पड़े हुए थे। वो समझ जाती है पॉल ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को हर्ट किया है। चाबी रखने के लिए जब वो पॉल के रूम में आती है तब पॉल कहता है तुम बहुत ही अजीब हो, मैं तुम्हें फिगर आउट नहीं कर पाता हूँ और तुमने मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर उसकी मदर एमा के पास आकर सॉरी कहती है। पिछली बार जब एमा ने अपनी मदर को पॉल के बारे में बताया था तब उसकी मदर ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जिसके लिए वो आकर सॉरी कहती है। रात में सिटी में कॉन्सर्ट था, एमा वहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी तो उसके पेरेंट्स अकेले ही चले गए। एमा घर पर अकेली थी और रात में उसे घर पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है।
वो बाहर आकर देखती है तो पॉल वहाँ पर था। वो उसके करीब आने लगता है लेकिन एमा उससे दूर भागती है। वो कहती है, तुमने उस दिन मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। पॉल कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। एमा ने पहले ही, जब उसे खतरा महसूस हुआ था, अपने पास एक चाकू रख लिया था। फिर वो जोर से पॉल को मार देती है जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। एमा अब कंफर्म हो गई थी, उस फोटोशूट के बाद पॉल ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मार दिया था। उसकी बॉडी वो अपनी कार में लेकर आया और एक नेट में डालकर पानी में डुबो दिया। जब एमा घर में आ जाती है और सोचती है अब वो पॉल का क्या करे, ये बात उसे सता रही थी। जिस तरह से पॉल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नेट में डालकर डुबो दिया, उसी तरह से वो पॉल को नेट में डालकर समुद्र में डुबो देती है। पॉल ने जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किया, वही अंजाम उसे भुगतना पड़ा। एमा के घर पर आते हुए पॉल अपनी गाड़ी भी नहीं लेकर आया था जिससे सबको लग सके कि वो यहाँ पर था। एमा पर कोई भी शक नहीं करेगा। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। एमा अब राइटिंग भी अच्छी तरह से करने लग गई थी। वो डिसाइड करती है अब वो फिर से अपने कॉलेज में वापस जाएगी। अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके पेरेंट्स को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।